बात जब जानवरों की आए तो इनकी पूरी दुनिया रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई है। इंसान अब तक 80,70,000 जानवरों की प्रजातियां खोज चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नई नई प्रजातियां मिलती रहती हैं। इसलिए हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लोग अजीब और हैरान कर देने वाले जीवों को देखने का दावा करते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जीवों पर नज़र डालेंगे जिसे सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि धरती पे ऐसे जीव भी हो सकते हैं। पैपुआ न्यू गिनी के जंगल और पहाड़ों में एक अजीब से जानवर को कई बार देखे जाने का दावा हो चुका है। इस जीव को गजेका नाम से बुलाया जाता है और दिखने में उसे एक टेपियर और हजारों साल पहले पाए जाने वाला जानवर जायंट ग्राउंड स्लॉथ का मिश्रण माना जाता है। इस जानवर को देखे जाने की पहली घटना साल 1870 में सामने आई। उस समय एक ब्रिटिश ट्रैवलर सी मॉन्गटन ने गजेका को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वे दिखने में एक विशाल शाकाहारी जीव जैसा था जो अपने चारों पैरों के साथ दो पैरों पे भी चल सकता था, ठीक एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ के जैसा। उसकी नाक लंबी और बाहर की ओर निकली थी। वे अपने नकल्स पे चल रहा था और स्लॉथ की तरह उसके विशाल पंजे थे। वैज्ञानिकों ने जानकारियों के आधार पर यह सोचा कि यह जीव राइनोसोरस की कोई अनदेखी प्रजाति हो सकती है, लेकिन इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब पैपुआ न्यू गिनी में कोई राइनोसोरस देखने को मिला हो। इतना ही नहीं, सी मॉन्गटन की पूरी टीम ने गजेका को अपनी आंखों से देखा था और उन सभी का यही कहना था कि इतने लोगों को देखते ही वे जानवर झाड़ियों में तेजी से भाग गया था और उसकी रफ्तार को देख के उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि गजेका जैसे जीव के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैपुआ न्यू गिनी के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पे इस जीव जैसी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। हो सकता हो कि गजेका जायंट ग्राउंड स्लॉथ की ऐसी प्रजाति हो जो आज भी पैपुआ न्यू गिनी के जंगलों में छिपा हो। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोगों ने वहाँ की नदियों में एक विशाल जीव के रहने की बात कही। इस जीव को महाम्बा के नाम से जाना जाता है, जो कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, और जो लोग किसी तरह से इससे बचने में कामयाब रहे उन सभी ने इसे एक नए जीव होने की बात कही जिसे इंसानों ने कभी नहीं खोजा। महाम्बा को एक विशाल रेप्टाइल माना जाता है जो एक मगरमच्छ से काफ़ी मेल खाता है। इसके विशाल पैर होने का दावा किया गया है जो जमीन पे तेजी से भागने में सक्षम है। लोगों की जानकारियों के अनुसार इसका डिस्क्रिप्शन लाखों साल पहले समंदर का खतरनाक शिकारी मोसेसॉरस से काफी मेल खाता है। इस क्रिएचर की लंबाई 5 फुट मानी गई है, जिसे ज्यादातर नदियों में देखा गया है। कांगो के लोग मगरमच्छों से काफी परिचित हैं और यहाँ की नदियों में मगरमच्छों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन महाम्बा को लगभग सब लोगों ने एक अलग ही जानवर होने की बात कही है। इस बात की अच्छी संभावना है कि महाम्बा विशाल मगरमच्छों की कोई अनदेखी प्रजाति हो। अगस्त 17 को मशहूर एक्सप्लोरर जॉर्ज टेलर ने समंदर में एक ऐसे जीव को देखने का दावा किया जिसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। जब स्टेलर अलास्का के बर्फीले समंदर में सेल कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बोट से कुछ ही मीटर दूर एक ऐसा जीव देखा जिसकी लंबाई करीब 5 फीट थी। उसकी पूंछ एक डॉल्फिन की तरह थी, फ्लिपर एक इंसानी बच्चे के जैसे थे और मुँह एक गोरिल्ला की तरह था। स्टेलर का कहना था कि उन्होंने कई गोलियां उसकी तरफ चलाईं, लेकिन उसकी हैरानजनक रफ्तार के कारण एक भी गोली उसे नहीं लग सकी। इस घटना के बाद कभी भी ऐसे क्रिएचर को देखे जाने की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि स्टेलर एक मशहूर एक्सप्लोरर थे जिन्होंने कई प्रकार के समुद्री जीव को देखा था। उनकी इस बात को गंभीरता से लिया गया और इस जीव का नाम स्टेलर सी एप रख दिया गया। अगर स्टेलर पर यकीन करा जाए तो एप और गोरिल्ला जैसे जीवों के विषय में आज भी हम बहुत कम जानते हैं। शायद इन जीवों का इवोल्यूशन, इनकी प्रजातियां और इनका इंटेलिजेंस हमारे अनुमान से कई गुना ज़्यादा और रहस्यमय हो।
क्या इन एप्स की ऐसी भी प्रजाति मौजूद है जो इंसानों से छिपके समंदर में बसा करती है? अगर ऐसा है तो वे कई महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि यह आखिर कहां से आए, क्या ये हमारे पूर्वजों की कोई नई प्रजाति तो नहीं, आखिर ये जीव कितने इंटेलिजेंट होंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या ये वही क्रिएचर तो नहीं जिसे कई फेमस एक्सप्लोरर्स ने मरमेड होने का दावा किया था। ऐसा माना जाता है कि जापान की नदियों में एक रहस्यमय और खतरनाक जीव का वास है। इस अजीब से क्रिएचर पर जापान के लोग बहुत पक्के रूप से विश्वास रखते हैं। जापान के गांव में रहने वाले लोगों ने कई बार एक कैप्पा को देखने की बात कही है, बल्कि जापान की कई नदियों के पास आज भी ऐसे वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं जो कैप्पा से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। इतना ही नहीं, इस क्रिएचर का वर्णन जापान के पूर्वजों ने किताबों में भी किया है। ऐसा माना जाता है कि यह जीव दिखने में एक इंसान और रेप्टाइल का मिश्रण है, जिसके पास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो दोनों अच्छे और बुरे काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा दावा किया कि रात में नदियों से उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है, बल्कि कई घटना तो ऐसी सामने आई जिसमें दावा किया गया कि उनके परिवार और मित्रों को कैप्पा द्वारा डुबा दिया गया। वही जापान की पुरानी किताबों में कैप्पा के अच्छे रूप का भी वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि जापान के पूर्वजों को सबसे पहले मेडिकल साइंस की नॉलेज कैप्पा द्वारा ही मिली। अगर कैप्पा की ओर नजर डाले तो वे एक कछुए, छिपकली और मेंढक के मिश्रण का कोई हाइब्रिड क्रिएचर लगता है, और अगर विज्ञान की नजर से देखे तो ऐसा जीव होना संभव है। जापान में एक मान्यता बड़ी ही मशहूर है। वहाँ के लोगों का दावा है कि एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे एक रहस्यमय जीव रहता है जिसे वे लोग निंजन के नाम से बुलाते हैं, और जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं। एक निंजन को ऐसा क्रिएचर माना गया है जिसका शरीर विशालकाय है और जिसका हाथ, पैर और मुंह एक इंसान की तरह माना जाता है। इससे हटके बहुत से लोगों ने इस जीव के टेंटिकल्स भी होने की बात कही है। इन क्रिएचर्स को देखा जाना इसलिए इतना कठिन है क्योंकि इनका रंग पूरा सफ़ेद माना गया है, जिससे वे आराम से बर्फ में छिप सकते हैं। इसकी लंबाई 20 से 30 मीटर मानी जाती है, और आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसी कई घटनाएँ सामने आ चुकी हैं जब ऐसे क्रिएचर्स को कैमरे पर कैद किया गया जो जापानी द्वारा बताए हुए निंजन से काफ़ी मेल खाते हैं। यह वीडियो एंटार्क्टिका में ली गई थी, और ऐसा माना जाता है कि पानी में दिख रहा यह चीज़ एक निंजन हो सकता है। एंटार्क्टिका दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां इंसानों ने बहुत ही कम खोज की है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां के बर्फ के समंदर के नीचे हमें कई हैरानजनक प्रजातियाँ देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।